नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने साथियों। आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन मॉक टेस्ट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 4, यानी कि आज हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले देखे हैं तो आप पिछले 3 टेस्ट को भी जा कर के देखिएगा, वहाँ पर भी हमने रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाया है। दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास की, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जैसे कि मैं आते हैं। प्रश्न नंबर 1 का सभी प्यारे साथी उत्तर बताएंगे। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिनके शब्दों के मध्य में वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। यानी कि एक आपको यहाँ पे शब्द युग्म दे रखा है। कौन सा शब्द युग्म है? हंस का संबंध अगर हंस शावक से है तो ऐसा ही संबंध इन 4 विकल्पों में कौन सा है? तो गौर से समझो प्यारे दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखो, यहाँ पर हंस जो होता है, हंस एक प्रकार का पक्षी है और इसका जो बच्चा होता है क्या होता है प्यारे दोस्तों? हंस का जो बच्चा होता है, याद रखेंगे, ये कहलाता है हंस शावक। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? हंस का बच्चा कहलाता है हंस शावक, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो क्या व्हेल का बच्चा मछलियों का झुंड होता है? बिल्कुल नहीं होता है, व्हेल का बच्चा अलग हो जाएगा। हिरन का बच्चा कंगारू शावक? भाई, हिरन का बच्चा एक कंगारू शावक नहीं हो सकता है, वो हिरन शावक तो कह सकते थे। क्या पेरू पक्षी का बच्चा चूजा हो जाएगा या मछली का बच्चा पशु शावक होगा? भाई देखो, विकल्प नंबर 4 तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि एक जलीय जंतु है, दूसरा संबंध पशु शावक से तो नहीं बनेगा। लेकिन जो पेरू पक्षी होता है प्यारे साथियों, पेरू में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का पक्षी, इसका जो बच्चा होता है, जो शावक होता है, उसे हम चूजा कहते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और आप चूजे को ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे कि मुर्गियों का बच्चा भी चूजा होता है, तो पेरू का जो पक्षी है वो एक प्रकार से मुर्गी के नवा होता है और उसी का जो बच्चा है वो चूजा कहलाता है। विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब होगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कहा गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। चलिए देखो, यहाँ पर क्या लिखा गया है? आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा गया है सी डी, उसके बाद में ए और एफ। इसका संबंध किससे है? तो आप कहोगे एक्स से है, डब्लू से है, उसके बाद जेड से है, फिर यू से है। इस तरह से संबंध दे रखा है। देखो गौर से प्यारे दोस्तों, जो सी डी ए एफ है उसे क्या लिखा है? एक्स डब्लू जेड यू। तो गौर से देखो, मैंने आपको एक दिन बताया था, शायद याद हो, पिछली ही क्लास थी, पिछली के पिछली होगी या फिर पिछली क्लास होगी, उसमें हमने अपोजिट का आपको क्रम बताया था। सर अपोजिट का क्रम क्या था? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। भाई अपोजिट के क्रम याद रखो, मैंने आपको ऐसे बताया था, भैया क्या बताया था? आज, आज के बाद में क्या था? बॉय, बी वाई था, उसके बाद में क्या था? सिक्स था, उसके बाद में क्या था? दूध वाला था, उसके अलावा क्या था? इवनिंग था, और आगे क्या था? फूफा जी था, आगे क्या था भैया? जी टी रोड था, उसके अलावा हाई स्कूल था, इसके अलावा आगे क्या था? इंडियन रेलवे था, फिर क्या था? आई के बाद जे होता है, जैकलिन फर्नांडिस था, उसके बाद के पी कमला पसंद था, और आगे L4 लव था और M4 मन था। तो ये सारे के सारे जो शब्द थे ये अपोजिट में आते हैं। किस में आते हैं साथियों? अपोजिट में। तो देखो सी एक्स, सी के सामने एक्स लिखा है, DW, डी के सामने W लिखा है, AZ, देखो इसके सामने AZ लिखा है, तो AZ शुरुआत में मिल जाएगा, FU अर्थात फूफा जी, तो FU फूफा जी कहाँ पर है? ये रहे। तो यानी कि जो लॉजिक आया है वो प्यारे दोस्तों सभी में अपोजिट का आया है, और यही अपोजिट का लॉजिक हम लगा देंगे डी में, ई में, और एफ में और सी में, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो डी का क्या होगा? DW दूध वाला, तो W से शुरुआत होगी, तो पहला विकल्प गलत है, और यहाँ पे हमारा चौथा विकल्प भी गलत है। इसके अलावा आप देखोगे लास्ट वाले को, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करना है तो लास्ट को सी आया है, सी के साथ में क्या आना चाहिए? एक्स आना चाहिए, तो W से शुरुआत, एक्स से अंत होगा, विकल्प नंबर 3 गलत हो जाएगा, 2 नंबर का हमारा सही होगा। क्या होगा? 3 तो गलत हो गया क्योंकि लास्ट में एक्स नहीं आया है, 2 वाला सही हो जाएगा, ईवी इवनिंग याद रखेंगे, और FU फूफा जी फिर से याद रखेंगे, ईवी FU ये यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर विकल्प नंबर 2 है। 3 नंबर प्रश्न में आते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कहा गया है यदि ए का अर्थ प्लस है, क्या बोला है? ए का अर्थ यदि प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस, डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए देखो, सबसे पहले क्या है? 48 है, तो हम 48 लिख देंगे। उसके अलावा डी का जो अर्थ है भाग है, तो भाग लगा के 12 लिख देंगे।
उसके अलावा ए का अर्थ प्लस है, तो प्लस लगा के हम यहाँ पे कर देंगे ब्रैकेट को बंद। ब्रैकेट बंद करने के बाद अंडर रूट लगाना है हमें कितने में, 36 में। इसके बाद में प्यारे दोस्तों बी का मतलब गुणा है, तो हम यहाँ पे अलग से गुणा लिख देंगे और यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट कर देंगे बंद। इसके बाद सी का मतलब आया है प्यारे दोस्तों माइनस, इसके अलावा 19 लिख देंगे, ठीक है। सी का मतलब माइनस 19 लिख देंगे, ए का मतलब जोड़ है तो यहाँ पे 24 लिख देंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब इसमें हम लोग लगाएंगे बोर्ड मास, क्या लगाएंगे बोर्ड मास, बी ओ डी और उसके बाद एम ए एस। तो इसमें क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो देखो यहाँ पे लास्ट में देख लेंगे, बाद में पहले इसको देख लो, अंडर रूट से 36 अगर बाहर आएगा तो कितना आएगा 6, और इसका गुणा 3 में होगा तो पूरा का पूरा ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा 6 × 18 आ जाएगा। उसके अलावा 12 से यहाँ पे भाग लगा दोगे तो 4 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे रहेगा। उसके बाद माइनस का 19 यहाँ पे होगा, ठीक है, और आगे प्लस का 24 है। तो भाई मेरी बात को समझो, अब मेरी बात को समझना है, ये 18 प्लस का 19 माइनस का, तो यह इसको काट के माइनस 1 लिख दें, और इस माइनस 1 को काट के इस 4 में से 3 लिख दें, क्या लिख दें प्लस का 3, प्लस का 3 और यहाँ पे 24, 24 और 3 कितना होता है भैया, आप कहोगे साथियों 27 होता है, क्या होता है 27 होता है, इस बात को याद रखेंगे। 27 दिया है विकल्प नंबर 2 में, तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर भी विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। देखो गौर से मेरी बात को समझ लो, यदि नहीं समझ में आया एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ जल्दी, ठीक है, बिना किसी देरी के बहुत जल्द समझा दूंगा, एक बार फिर से समझ लो प्यारे दोस्तों। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है, देखो इसमें से बाहर आएगा 6 बाहर आएगा तो यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा, तो पूरा काट के हम यहाँ पे 18 लिख दें, आप कहोगे कोई बात नहीं। अब देखो इसमें भाग लगाओगे तो 4, अब देखो यहाँ से प्लस कर लेंगे, यहाँ पे माइनस का 19, ये प्लस का 24 होगा, ठीक है। ऐसे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं, यानी कि सभी जोड़ लेते हैं, तो 18 × 4 = 22, 22 में से 19 जाएगा, तो इतना इतनी लाइन काट के 22 में से 19 जाएगा, तो प्लस का 3 बचेगा और प्लस का 24 यहाँ पे है ही, तो 24 × 3 प्लस का 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27, और 27 हमें विकल्प नंबर 2 में दिया है, तो यही सही उत्तर है। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 4 का सभी प्यारे दोस्त उत्तर बता दो, क्या होगा इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब। कहा गया है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की माँ है। यानी कि हर कंडीशन में आगे वाला जो बंदा है वो कहीं ना कहीं पीछे वाले का कुछ ना कुछ बन रहा है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो आगे वाले बंदे को हम पीछे वाले का कुछ ना कुछ बनाएंगे, तो पहली लाइन देखो, व्यंजक ये दे रखा है, इस व्यंजक के बारे में बताना है, ये जो व्यंजक दिया है इसमें पहला क्या है, यू प्लस एच है, तो प्लस का मतलब आगे वाला पीछे वाले का पिता है, तो ये जो यू है ये प्यारे दोस्तों यू है, ये पिता हो जाएगा किसका, याद रखेंगे एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ये जो यू है ये पिता हो जाएगा किसका, पीछे वाले एच का, ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद उसने बोला है क्रॉस, क्रॉस का मतलब आगे वाला पीछे वाले का भाई, यानी कि ये जो एच है ये भाई हो जाएगा किसका, याद रखेंगे एल का। अब आया है माइनस, माइनस का मतलब आगे वाली जो है वो पीछे वाले की बहन है, तो ये क्यू की बहन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद डिवाइड आया है, डिवाइड का मतलब है आगे वाली पीछे वाले की माँ है, तो ये जो क्यू है ये माँ है किसकी, पीछे वाले आर की, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और आगे फिर से माइनस आया है, तो आगे वाली बहन है पीछे वाले वाई की, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो इस तरीके से कुछ हमारा यहाँ पे आरेख बन करके आएगा। अब प्यारे दोस्तों पूछा है तो एल का वाई से क्या संबंध है, से लगा है वाई के साथ, एल कहाँ पर है, ये रहा एल, एल क्या है, एक महिला है चूँकि माइनस आया है, तो वाई क्या बोलेगा, वाई बोलेगा चूँकि हमें यहाँ पर वाई का जेंडर पता नहीं है, तो वाई कह सकता है कि मेरी मम्मी, देखो सबसे पहले तो बोलेगा वाई बोलेगा, अगर लड़की हुई तो बोलेगी बहन, और लड़का हुआ तो भी बहन बोलेगी आर को, आर की माँ तो वो वाई की माँ हो जाएगी, और अगर वाई की माँ की बहन है तो कौन होती है भैया, मौसी होती है, माँ की बहन हमारी मौसी आती है, विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, अभी समझ में नहीं आया तो इसको बताओ, इसको समझ लो अच्छे से। कह रहा है सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा, किसका परिचय दे रहा है सत्यम, सॉरी सक्षम किसका परिचय दे रहा है मित्र को, निधि का। क्या कह रहा है सक्षम, सक्षम जो है वो कह रहा है प्यारे दोस्तों कि वह मेरे पिता, प्यारे दोस्तों क्या कह रहा है, वह है मेरे पिता, अर्थात जो निधि है वो मेरे पिता, मेरे कौन, सक्षम के पिता, तो पिता यहाँ पे आ जाएंगे, पिता है तो प्लस लगा देंगे हैं। उसके बाद कह रहा है मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी, यहाँ पे पिताजी की शादी होगी, पत्नी अर्थात सक्षम की कौन हो जाएंगी, ये माताजी हो जाएंगी, मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र अर्थात सक्षम की पुत्री है, एकमात्र पुत्र की पुत्री है, तो वो जो निधि है प्यारे दोस्तों वो निधि यहाँ पे आ जाएगी नीचे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि निधि एक महिला का नाम होता है तो माइनस लगा देंगे। अब प्रश्न में पूछा है सक्षम का निधि से क्या संबंध है, से लगा है निधि के साथ, तो निधि क्या बोलेगी, निधि बोलेगी मेरे पापा,
क्या बोलेगी? सक्षम को पापा जी तो बोलेगी, और पापा जी बोलेगी तो विकल्प नंबर तीन में पिता दिया है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर तीन प्रश्न नंबर पाँच का सही जवाब है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर छः में आओ प्यारे दोस्तों, इसको बताओ, इसको बताओ क्या होगा भाई। कह रहे हैं निम्नलिखित चार शब्दों में से तीन शब्द किसी प्रकार से एक समान है, एक शब्द असमान है, असमान शब्द का चयन कीजिए। चुराना है, रोकना है, अटकाना है और बंदी बनाना है। तो भाई एक बात समझो, रोकना हो तो किसी को एक स्थान पर रोक लेते हैं, अटकाना यानी बांध देना तो भी रोकना का मतलब ही हो जाता है, और बंदी बनाना यानी कि किडनैप कर लेना तो ये भी एक प्रकार का रोकना ही होता है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं, इसको पकड़ लेना कह सकते हैं, कह सकते हैं पकड़ना से संबंधित हो जाएंगे ये तीनों के तीनों शब्द, रोकना, अटकाना, बंदी बनाना। जबकि चुराना क्या है भैया, चोरी करके भाग जाना, ये तो भाग रहा है चोरी करके, चोरी करके क्या करता है व्यक्ति, भाग जाता है, तो चोरी करके भागना अर्थात ये आपका विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक इसका असमान बनेगा, इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि दो तीन चार विकल्प में पकड़ने से संबंधित है जबकि चुराने के बाद व्यक्ति क्या करता है, भाग जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, ऑप्शन नंबर एक विषम है। सात नंबर का उत्तर बताइए, कह रहा है चार अक्षर समूह में से तीन अक्षर समूह निश्चित एक तरीके से समान है और दोस्तों एक अलग है, अलग अक्षर समूह का चयन करें। चलिए बताइए इसका स्थानीय मान देख करके आप लोग बताओ, एक्स जो है कितने पर होता है 24 पर, टी कितने पर होता है 20 पर, और जेड कितने पर होता है प्यारे दोस्तों 26 पर। इसके बाद आगे देखो आई कितने पर होता है 9 पर, ठीक है आई 9 पर, एफ कितने पर 6 पर, के कितने पर तो बोलोगे 11 पर, पी कितने पर तो प्यारे दोस्तों आप बोलोगे 16 पर, एल कितने पर तो बोलोगे आप लोग 12 पर, और आर कितने पर तो बोलोगे 18 पर, ठीक है। सात को देखेंगे, जी को देखेंगे 7 पर होता है, सी होता है हम लोगों का कितने पर 3 पर, और दोस्तों यहाँ पे आप आगे अगर देखोगे तो ये आ जाएगा आई 9 पर, ठीक है इस बात को याद रखें। तो अब गौर से समझो प्यारे दोस्तों, आपका जो विषम होगा वो इस तरीके से, पहली बार में क्या हुआ है माइनस का 4, और इसके बाद क्या हुआ है प्लस का 6, ठीक है याद रखेंगे। पहली बार में माइनस का 4 तो दोस्तों यहाँ पे तो माइनस का 3 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 5 हो रहा है, ठीक है इस बात को याद रखेंगे। और आगे देखो 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 में जुड़ेगा 6 तो 18 हो जाएगा, और देखो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 में जुड़ेगा 6 तो प्यारे दोस्तों 9 हो जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पे कह सकते हो कि जो दो नंबर का विकल्प है, जो दो नंबर का विकल्प है वो विषम है। क्यों है? क्योंकि प्यारे दोस्तों अन्य सभी का जो लॉजिक है माइनस 4 प्लस 6 का है, जबकि दो नंबर के विकल्प का जो लॉजिक है वो माइनस 3 प्लस 5 का है। इस कारण ये सभी से क्या है, अलग है, और जब अलग है तो यही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, डायरेक्शन और डिस्टेंस के प्रश्न में दोस्तों कहा गया है, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। प्यारे दोस्तों एक व्यक्ति है, मान लेते हैं यहाँ से कोई व्यक्ति चला है पूर्व की दिशा में, कितना चला है 10 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अच्छा पूर्व में मुख है, दाएं मुड़ेगा तो 5 इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से 5 चलेगा, इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है फिर से वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। क्या कह रहा है? अब वह बाएं मुड़कर के 2 किलोमीटर चलता है। मेरी बात को समझना है प्यारे दोस्तों, अगर इसका मुख अब दक्षिण में है, पहले पूर्व में था तो दाएं मुड़कर के 5 किलोमीटर चला, दक्षिण में हो गया, और अगर अब दक्षिण में उसका मुख है प्यारे दोस्तों, उसको कहाँ पे मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। बाएं का मतलब जाएगा कहाँ पे भैया, पूर्व की दिशा में। पूर्व की दिशा में कितना जा रहा है 2 किलोमीटर। अब दोस्तों उसने पूछा है तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बतानी है। उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एक ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या बनेगा, गौर से समझो प्यारे दोस्तों, अगर ये दूरी 2 है नीचे की तो ऊपर वाली भी 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2, और ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ तक, तो आप कहोगे सर 10 और 2 12 हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ से जो लेंथ आई है ये वाली, ये कितनी है, आप कहोगे सर ये जो लेंथ है ये वाली, एक मिनट देखो गौर से समझो, मैं कह रहा हूँ इस वाली लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो ये लेंथ कितनी है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, ठीक है इस बात को याद रखेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग लगाएंगे एक ट्रिपलेट, ठीक है यहाँ से एक ट्रिपलेट लगाएंगे। अगर ये एक अपना 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है अगर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तो सम्मुख भुजा क्या होगी, सम्मुख भुजा प्यारे दोस्तों ये वाली कर्ण हो जाएगी। ऊपर हमें 12 दिया है, इधर हमें 5 दिया है, तो एक ट्रिपलेट होता है जो ट्रिपलेट हम इस तरीके से याद करते हैं प्यारे दोस्तों, 5 के साथ में 12 और 12 के बाद में 13, ठीक है ये होता है एक ट्रिपलेट। तो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो शॉर्ट दूरी जो आएगी वो 13 किलोमीटर आएगी। कितनी आएगी 13 किलोमीटर, कैसे आएगी वो मैं आपको अभी बता दूंगा। देखो 13 किलोमीटर तो इसका सही उत्तर है, लेकिन कैसे आया है, वो ऐसे आया है। देखो अभी मुझे पता नहीं है कि कर्ण कहाँ पर है, ये वाली, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कितनी दूरी है। अभी तो मैंने शॉर्ट ट्रिक से निकाल ली ट्रिपलेट से 13, लेकिन नहीं पता है तो क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर,
बराबर में आधार, आधार कितना है यहाँ पे 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, उसके बाद में लंब कितना है ये वाला, ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक है, अब देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर 144 में 25 जोड़ोगे 169 यानी 169 आएगा, और कर्ण बराबर निकालोगे तो अंडर रूट 169 ये हो जाएगा हम लोगों का 13। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो कर्ण आया है वो 13, चाहे सीधा सा याद रख लो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, या फिर ऐसे करके निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, श्रृंखला का महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को हम यूनिट डिजिट से करेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, गौर से देखिए साथियों। सबसे पहले लिखा गया है 600 के बाद में आगे लिखा गया है 1500 के बाद में लिखा है प्यारे दोस्तों 3750। ठीक है, और इसके बाद में आगे जाओगे तो प्यारे दोस्तों आपके सामने लिखा है 9375। कितना? 9375। और अगली संख्या हमें ज्ञात करनी है, कौन सी आएगी भाई, गौर से समझो प्यारे दोस्तों, आपको गौर से समझना है। यहाँ पे इनके बीच का अगर हम नंबर देखेंगे तो ये देखो इससे कहीं ना कहीं डबल है, ये भी डबल से ही ऊपर है, ये भी डबल से ऊपर है, लेकिन आप पहले वाले का अगर लॉजिक देख लोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर गुणा जो हुआ है वो ढाई का हुआ है। किसका हुआ है? ढाई का। 6 × 2 = 1200 तो ये हो गया, और 6 का आधा मतलब 300, तभी तो 1500 होगा। और उसी प्रकार यहाँ भी ढाई का गुणा हुआ है, कितने का? 2.5 का गुणा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 15 × 2 = 30, 3000 तो ये होगा, 15 का आधा 750, तो 3000 750 अर्थात 3750। उसी प्रकार आगे भी यही लॉजिक चलेगा, यही लॉजिक अर्थात 2.5 का गुणा यहाँ भी होगा। ठीक है, 2.5 का गुणा यहाँ भी होगा, उसके बाद आगे भी यही लॉजिक चलता रहेगा, तो 2.5 का गुणा हमारा 9375 में भी हो जाएगा। जब प्यारे दोस्तों आप लोगों का 9375 में 2.5 का गुणा होगा तो गौर से समझो, ये 5 है और ये भी 5 है, जब हम 5 का 5 में गुणा करते कितना आता है? 25। अर्थात इस प्रश्न में जो यूनिट डिजिट आएगा कोई भी आए वो 5 × 25, यानी कि यूनिट डिजिट लास्ट में 5 होना चाहिए, जो भी आए वो लास्ट में 5 होना चाहिए। देखो पहले वाले विकल्प में लास्ट में 5 नहीं है, दूसरे में लास्ट में 5 नहीं है, तीसरे में लास्ट में 5 नहीं है, चौथे वाले में लास्ट में 5 है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो और आगे चेक करना चाहो तो कर लो भाई, और आगे करना चाहो तो कर लो। कैसे कर लो भाई? देखो गौर से समझो, यहाँ पे 9375 ये रहा 9375, इसका हम गुणा करते हैं किस में? 25 में। ठीक है, उसके बाद एक अंक से दशमलव बाद में हम लगा देंगे। ठीक है, इस बात को देखिए, अब यहाँ पे देखो 5 × 25। ठीक है, कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दी क्या? चलिए देखते हैं, 5 × 25 और उसके बाद में 25 से सीधा कर लें, 25 × 5 = 125, हाँ से लाई 12, 25 × 7 = 175, हाँ से लाएंगी कितनी 12 जुड़ेंगे 175 में तो 187। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में होगा प्यारे दोस्तों आप लोगों की हासिल 18। ठीक है, 25 × 75 में 18 जोड़ोगे 93 हो जाएगा, 25 × 9 = 225, और 225 में जब आप लोगों का प्यारे दोस्तों जुड़ेगा 9 तो ये हो जाएगा 234। ठीक है, कितना हो जाएगा? 234। तो प्यारे साथियों एक अंक बाद दशमलव है, तो ये आना चाहिए यार 23000 आना चाहिए, ये तो मैंने गड़बड़ कर दी, चौथा तो होगा ही नहीं। 23000 कौन से में दे रखा है? ऑप्शन नंबर एक में क्या? 23437.5। ठीक है, वो भाई गड़बड़ हो गई थी अभी, अगर ऑप्शन से करके जाते तो भाग जाते, गड़बड़ हो जाती। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो उत्तर आएगा वो 23437.5 आएगा, यहाँ पे दे रखा है, इसमें याद रखेंगे 23437.5 ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर है, ये गलत है जो मैंने अभी बता दिया था बाई ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ, चलो इसको बताओ इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, गलती मैंने सुधार ली है भाई, बिल्कुल नहीं कहोगे गलत आ रहा है। देखो कह रहा है अगर एगर को ये लिखा जाता है तो कैडेट को क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है EAGER, यानी कि एगर, EAGER। ठीक है, इस तरह से इसको क्या लिखा है प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमें बताना है कैडेट का, CAD उसके बाद में E और T। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, तो T यहाँ पे हो जाएगा। अब गौर से समझो प्यारे दोस्तों, आप कहोगे E का स्थानीय मान 5 होता है, A का स्थानीय मान 1 होता है, और G का स्थानीय मान 7 होता है, ई का स्थानीय मान फिर से 5 होता है, और आर का स्थानीय मान 18 होता है, लेकिन 18 के हम दोनों डिजिट जोड़ देंगे, यानी कि 1 + 8 तो कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, इस कारण से इसे लास्ट में 9 लिखा गया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब यही लॉजिक यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा तो सी का स्थानीय मान 3, ए का स्थानीय मान 1, डी का स्थानीय मान 4, तो 314 होना चाहिए, उसके बाद ई का स्थानीय मान 5 और टी का स्थानीय मान 20, कितना 20 होगा, 20 का हम प्यारे दोस्तों क्या कर सकते हैं, कुछ तो गड़बड़ दे रखी है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, नहीं है। देखो गौर से समझो, मैंने लॉजिक यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी लास्ट वाले में, इसको देखो
लास्ट वाला जो लेटर है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये जो लास्ट लेटर है आर, इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, इंडियन रेलवे, मतलब आई। आई जो होता है वो कितने पर होता है, 9 पर होता है। तो लास्ट वाले लेटर को हम अपोजिट करके रख देंगे। लास्ट टी, टी का अपोजिट क्या होता है, जीटी रोड पड़ा था ना, जीटी रोड, तो जी कितने पर होता है, 7 पर, तो लास्ट में 7 आएगा, ठीक है। और बाद बाकी सभी का स्थानीय मान होगा, 3 होगा, उसके बाद 1 होगा, फिर क्या होगा, 4 होगा, उसके बाद में क्या होगा, 5 होगा, और लास्ट वाले का अपोजिट करके रखेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 31,457 ऑप्शन नंबर एक में दिया है। देखो प्यारे दोस्तों फिर से समझ लो, यदि नहीं समझ में आया है तो फिर से समझ लो। क्या समझना है, समझना ये है, मैंने कहा शुरुआत के जो भी लेटर हैं उनका स्थानीय मान रख दो 4 लेटरों का, ठीक है, और लास्ट वाले लेटर को आप उसके विपरीत से बदल दो, यानी कि क्या कह सकते हैं, जो इसका अपोजिट होता है, विपरीत होता है, उससे बदल देना, उसी का स्थानीय मान रखना है। तो मैंने कहा ठीक है चलिए रख देते हैं। और तो मैंने कहा आर का जो अपोजिट होता है आई होता है, आई को हमने 9 पे रख दिया। उसी प्रकार टी का अपोजिट होता है जी, तो मैंने जी का स्थानीय मान 7 रख दिया। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर एक हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 नंबर बोला गया है सभी हेलमेट वस्तुएं हैं, क्या बोला है, सभी हेलमेट, जितने भी H4 हेलमेट हैं ये सारे के सारे क्या हैं, याद रखेंगे वस्तुएं हैं, ठीक है, B4 वस्तुएं हैं। अब प्यारे दोस्तों कहा गया है, क्या बोला है, कुछ कुछ हेलमेट वाहन है, तो कुछ हेलमेट का जो पार्ट है, इतना इतना सा हेलमेट का पार्ट, ये क्या हो जाएगा, वाहन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वाहन। अब देखो निष्कर्ष को पढ़ते हैं, निष्कर्ष नंबर एक, कह रहा है कुछ वस्तुएं हेलमेट है, क्या कुछ वस्तुएं हेलमेट है, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं भाई, बाहर से अंदर की ओर कुछ वाला सही होता है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। कह रहा है कुछ वाहन हेलमेट है, कुछ वाहन हेलमेट है, मुझे बताओ आपका कोई वाहन, ये रहा हेलमेट, ये रहा, बिल्कुल सही बात है यार, कुछ वाहन हेलमेट है, तो ये भी बन जाएगा, अर्थात दूसरा वाला भी सही है। अब तीसरा, कुछ वाहन वस्तुएं हैं, क्या कुछ वाहन वस्तुएं हैं, अर्थात ये वाले की पूछ रहा है, तो क्या ये वस्तुएं वाहन बन रही, हाँ बिल्कुल बन रही भाई, वाहन और वस्तुओं का इतना इतना सब पार्ट कॉमन है, तो ये भी सही हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कह सकते हो सभी निष्कर्ष 1, 2, 3 अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष 1, 2, 3 अनुसरण करते हैं, जो कि विकल्प नंबर 3 में हमें दिया गया है। विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन है क्रम व्यवस्था से। कह रहा है कर्मचारी BRGAM के वेतन की तुलना एक दूसरे के संबंध में दी गई है, M को A और G से अधिक वेतन मिलता है, तो मैं एक तरफ याद रखना है अधिक वेतन रख दूंगा, क्या रख दूंगा प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे अधिक वेतन जो मिलता है उनको ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो M नाम का जो बंदा है उसे वेतन किस किस से अधिक मिलता है, A और G से अधिक मिलता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है R का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है, जो R है उसका वेतन 3 से कम है, अर्थात M, A और G से कम हो जाएगा, तो R का वेतन यहाँ पे आ जाएगा। कह रहा है B का वेतन सबसे कम है, तो B का वेतन सबसे कम नीचे आ जाएगा। दोस्तों पूछा है दूसरा न्यूनतम वेतन किसका है, न्यूनतम का मतलब दूसरा सबसे कम, देखो सबसे कम तो B का है और दूसरा सबसे कम R का है, R दे रखा है विकल्प नंबर 2 में, ये हमारा सही हो जाएगा। अगर सर्वाधिक पूछ लेता तो M का, सर्वाधिक वेतन किसका है, M का है, इस बात को याद रखेंगे। और A, G में हम कन्फर्म नहीं कर पाएंगे किसका ज़्यादा है किसका कम है, इतनी ही हमें कंडीशन दी गई है। तो हमसे पूछा है दूसरा न्यूनतम वेतन आर का है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। बोला है अंग्रेजी शब्द को क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें, एग्जामाइन है, एक्साइटेड है, और इसके अलावा एक्सक्लेम है, एग्जाम्पल है, और एक्सक्यूट है, ठीक है, एग्जीक्यूट है। चलिए देखते हैं, गौर से देखो, सबसे पहले अगर देखोगे तो 2 लेटर सभी में कॉमन है, कौन कौन से 2 लेटर, ई और एक्स, ई और एक्स, ठीक है, इसके अलावा ई और एक्स यहाँ भी है, ई एक्स यहाँ भी है, और ई एक्स यहाँ भी, यानी कि 5ों के 5ों में। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 को लिखेंगे, उसके बाद 2 को लिखेंगे, उसके बाद 3 को लिखेंगे, फिर हम 4 को लिखेंगे, फिर हम 5 को लिखेंगे। तो अगर 2 लेटर छोड़ने के बाद देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है 1, क्या रहा है ए, एक, ए कितने पर होता है, 1 पर होता है। ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है सी, जो कि होता है 3 पर। ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे तो यहाँ भी सी आ रहा है, तो इसमें भी 3 पर। उसके अलावा 4 को देखेंगे तो इसमें ए आ रहा है, ये 1 पर हो जाएगा, कितने पर हो जाएगा, ये 1 पर हो जाएगा। उसके बाद 5 को देखेंगे तो ये आ रहा है ई, क्या रहा है ई, जो कि 5 पर होता है भैया। तो मुझे बताओ इन 4, इन 5 ऑप्शन में से सबसे लास्ट में कौन आएगा, मेरी बात को समझो, इनमें 5 में देखा जाए सबसे लास्ट में कौन आएगा, अगर इनको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो आप कहोगे आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो 1, 1, 3, 3 और 5 इस तरह से आना चाहिए, तो लास्ट में क्या आएगा, 5। कोई भी कंडीशन हो इसमें जब शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा तो उसमें लास्ट वाला ऑप्शन 5 होना चाहिए, लेकिन और जब हम देखते हैं ऑप्शनों को तो केवल और केवल 4थे नंबर का ऑप्शन है जहां पे लास्ट में 5 आया है, और कहीं भी लास्ट में 5 नहीं, यहां पे 2 है, 2 है, 3 है, ठीक है। इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। इसके अलावा आगे भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो अब ये तो कन्फर्म हो गया
या तो एक से शुरुआत होगी या तो चार से शुरुआत होगी, लेकिन हमने कहा चलिए देखते हैं आगे, तो एक और चार को आगे चेक कर लेते हो, एम आ रहा है, इसमें एम आ रहा है तो ये 13 पर होता है, चौथे वाले में क्या आ रहा है, एम आ रहा है तो ये भी 13 पर होता है, और आगे देखोगे तो 9 आ रहा है यानी आई 9 पर होता है, उसके अलावा पी आ रहा है तो यहाँ पर ये 16 पर होता है। तो भैया पहले से शुरुआत होगी, ऑप्शन नंबर एक से शुरुआत होगी तो ये तो गलत है, ठीक है। इसके अलावा अब देखो दो और तीन में बात भी दी है, दो और तीन दूसरे नंबर को देखोगे तो आई आ रहा है 9 पर होता है, और इसमें तीसरे नंबर में देखोगे तो यहाँ पे एल आ रहा है जो कि 12 पर होता है। तो एक के बाद दो, दो के बाद सॉरी एक के बाद चार, चार के बाद दो, दो के बाद तीन, एक के बाद क्या हो जाएगा, देखो एक चार, गौर से समझो, पहले तो एक आएगा, पहले एक आएगा, फिर चार आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा, फिर पाँच आएगा, एक चार दो तीन पाँच, ऑप्शन नंबर चार में है, ये सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया है आपका ओपन डाइस से, कह रहा है निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा बनाया नहीं जा सकता है। तो गौर से समझो, जब भी ओपन डाइस आता है उसमें प्रत्येक तीसरी सतह अपोजिट होती है, क्या होती है, प्रत्येक तीसरी सतह, जैसे मैंने कहा ये जो क्रॉस है ये सर्कल के अपोजिट हो जाएगा, ये प्लस वाला बॉक्स स्टार के, और ये हैशटैग आपका 5 डॉट के। तो गौर से समझो प्यारे दोस्तों, मैंने कहा जो क्रॉस है वो किसके हो जाएगा, सर्कल के अपोजिट, इसके अलावा यहाँ पे ये जो बॉक्स है स्टार के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ये जो प्लस लगा हुआ बॉक्स दे रखा है ये वाला, ये वाला अपोजिट किसके हो जाएगा, याद रखेंगे स्टार के अपोजिट हो जाएगा। इसके अलावा, इसके अलावा देखोगे तो हैशटैग किसके अपोजिट है, 5 डॉट के अपोजिट, ठीक है, 5 डॉट के अपोजिट आपका हैशटैग है, इस बात को याद रखेंगे। अब देखो प्यारे साथियों, मेरी बात को समझना है, यहाँ से एक नोट डाल के लिखो कि जब भी विपरीत सतह पूछी जाती है, जब भी हम खुले पासे से हम बंद पासा बनाते हैं, तो विपरीत सतह एक साथ ना तो छिप सकती हैं और ना ही एक साथ दिख सकती हैं, यानी कि जहाँ भी विपरीत सतह एक साथ दिख रही हैं वो हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर एक में एक साथ विपरीत कहीं पे दिख रही हैं, देखो पहले तो क्रॉस आया है, क्रॉस यहाँ पे है, फिर हैशटैग आया है जो कि यहाँ पे है, और फिर स्टार आया है, तो ये आपका दूसरे नंबर पर, यानी कि तीनों के तीनों अलग अलग हैं प्यारे दोस्तों, तीनों के तीनों अलग अलग हैं, तो ये बन सकता है, उसने पूछा नहीं बनाया जा सकता है। अब दो नंबर को देखो, दो नंबर में देखो 5 डॉट है, 5 डॉट यहाँ से है, स्टार यहाँ से और बॉक्स यहाँ से, ये गड़बड़ हो गई भाई, स्टार और ये बॉक्स, स्टार और बॉक्स तो अपोजिट थे, ये साथ में कैसे आ गए, नहीं आने चाहिए थे, इस कारण ये हमारा उत्तर बनेगा, यही वाला हम नहीं बना सकते हैं। और आगे चेक करो, देखो यहाँ पे क्रॉस आया है, फिर बॉक्स आया है, फिर हैशटैग आया, क्रॉस आया, बॉक्स आया, हैशटैग आया, यानी कि ऑप्शन नंबर तीन हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले को बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर चार को देखो, यहाँ पे डॉट आया है, सर्कल आया है, और उसके बाद में स्टार आया है, तीनों अलग अलग हैं, देखो डॉट, उसके बाद सर्कल और स्टार, तीनों अलग अलग हैं, तो ये वाला भी हमारा बन सकता है। कौन सा नहीं बन सकता है, दो नंबर का विकल्प, यही सही उत्तर होगा, क्योंकि उसने पूछा कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, इस बात को याद रखें। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर लाल, नीला, गुलाबी, हरा, सफ़ेद और काला रंग है, लाल दर्शाने वाले फलक के विपरीत में कौन सा रंग होगा, लाल के विपरीत बताना है। तो गौर से देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे नीला और गुलाबी, नीला और गुलाबी दोनों आकृतियों में दे रखा है, तो तीसरा ऑटोमेटिक एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, याद रखेंगे जब दो सतह एक साथ मिल जाएं तो तीसरी सतह अपने आप एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, तो लाल का जो अपोजिट बनेगा विकल्प नंबर चार सफ़ेद बनेगा, इस बात को याद रखेंगे, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, बोला गया है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता, माताएं, महिलाएं और पायलट। प्यारे दोस्तों गौर से देखो, सबसे पहले हम पहले शब्द को देखते हैं, जब भी बनाने की कोशिश करें तो पहला शब्द कौन है, माता, तो इसके लिए हम लिख देंगे माँ, ठीक है, क्या लिख देंगे, माँ। तो मुझे बताओ क्या माँ जो बनती है वो आपकी महिलाओं में आती हैं, आपको बिल्कुल सर, जो माँ होती हैं वो किस में आती हैं, लेडीज़ में आती हैं, तो यहाँ पर हम लेडीज़ लिख देंगे। उसके अलावा मुझे बताओ जो पायलट होते हैं यानी कि जहाज को उड़ाने वाले व्यक्ति, क्या वो माताएं हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। क्या वो लेडीज़ हो सकती हैं, अरे भाई जब पायलट माताएं हो जाएंगी तो वो लेडीज़ भी हो जाएंगी, तो इस तरीके से बनेगा, इस बात को याद रखें। कुछ माताएं ऐसी होंगी जो पायलट होंगी, कुछ लेडीज़ ऐसी होंगी जो पायलट होंगी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पे अपने लोगों का आ जाएगा पायलट, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ये पायलट आ जाएगा। तो इस तरह की आकृति होनी चाहिए, सबसे पहले एक सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल और दोनों से क्रॉस करता हुआ एक बाहर की ओर सर्कल, ये दोस्तों हमें दे रखा है तीन नंबर विकल्प में। कहाँ पर है प्यारे साथियों, तीन नंबर विकल्प में दे रखा है, इस बात को याद रखेंगे, यही इसका सही उत्तर है, ठीक है।